ओम श्री गणेशाय नमः। अथ देव्यः कवचम्। हस्ते जलमादाय, हाथ में पानी लेकर विनियोग करे। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंदः चामुंडा देवता अंगन्यासोक्त मातरो बीजम् दिगबंदेवतास्तत्वम् श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठांगत्वेन पाठे विनियोगः। ओम नमः चंडिकायै। ओम मार्कण्डे उवाच। ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन् कश्चिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तत्रीणुस्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कोशमांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिदाः उक्त्या नेतानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना। अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विस्मे दुर्गमे चैव वर्यतः शरणं गताः न तेषां जायते किञ्चित् शुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयां नहि। येस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धि प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षेतान संशयाः। प्रेतसंस्था तु चामुंडा वाराही महिषासना ऐन्द्री गज समारूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासना महेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी सिकिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरणभूषिता। इत्येता मात्रः सर्वः सर्वयोग समन्विताः नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोधशमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिम् अलं च मुसलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च सारङ्गमायुधमुत्तमं दैतानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धार्यन्त्यायुधानित्थं देवानां च हिताय वै। नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनी त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्ष्ये स्तृणावयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्री आग्नेय्यामग्निदेवता दक्षिणेवतु वाराही निरृत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद् वायव्या मृगवाहिनी उदीच्यां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्मणि मे रक्षेद् ददस्तात् वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षे चामुंडा सहवाहना जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चा पराजिता शिखा मुद्योतनी रक्षे धूमा मूर्धनि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च
भ्रुवो रक्षेत यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघंटा च नासिके शंकनी चक्षुषोर्मध्ये स्तोत्र स्तोत्रयोर्द्वारवासिनी कपोलोकालिका रक्षेत कर्णमूले तुषाकरी नासिकायां सुगंधा च उत्तरोष्टे च चर्चिका अदरे चामृतकला जीवायां च सरस्वती दंतान रक्षतु कौमारी कंठदेशे तु चंडिका घंटिका चित्र घंटा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिंबुकं रक्षेत वाचम मे सर्वमंगला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा वही कंठे नलिकां नलकुबरी स्कंदयोः खड्गिनी रक्षेत बाहू मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दंडिनी रक्षेत अंबिका चांगलीषु च नखानु नखायुलेच्छस्वरी रक्षेत कुक्षो रक्षेत कुलेश्वरी स्तनो रक्षेन महालक्ष्मी देवी मनः शोक विनाशिनी हृदय ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिका रक्षेत गुह्यम गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेढ्रम गुदे मही सवाहिनी कट्यां भगवती रक्षेत जानुने विंध्यवासिनी जंगे महाबला रक्षेत सर्व काम प्रदायिनी गुल्पयो नारसिंगी च पादपृष्ठे तु तेजसी पादांगुलिषु श्री रक्षेत पादास्तदस्तलवासिनी नखान दृष्टाकराली च केशांश्च वर्धवकेशिनी रोमकूपे सुकौबेरी तौचं वागीश्वरी तथा रक्तमजा वसामासन स्थितास्तमेदांसी पार्वती अंतराणि कालरात्रिश्च पितं च मुकटेश्वरी पद्मावती पदम कोसे कपे चूड़ा मणिस्तथा ज्वालामुखी नख ज्वाला मभेदा सर्वसंधिषु शुक्रम ब्रह्माणि मे रक्षे छाया छत्रेश्वरी तथा अहंकार मनोबुद्धि रक्षन मे धर्मधारिणी प्राणापानो तथा व्यान मुदानाम मुदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत प्राणं कल्याण शोभना रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वं रजश्चैव रजस्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवै यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिद्राणि मे रक्षेत पशून मे रक्ष चंडिके पुत्रान रक्षेन महालक्ष्मी वार्या रक्षतु भैरवी पंथान श्रुपता रक्षेन मार्गक्षेम कई तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनतम यत्तस्थानम वर्जितम कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयंती पापनाशिनी पद्मेकं न गच्छन्तु यदिच्छेच्छुभमात्मना कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकाः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं निश्चितं परमेश्वर्यमतुलं प्राप्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मृत्यः संग्रामेष्व पराजिताः त्रिलोके तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्या कवचं देवानामपि दुर्लभं य पठेत् पर्यतो नित्यं तिरसन्ध्यं सदयान्वितः देवी कला भवेत् सस्य त्रिलोके स्वपराजिताः जीवेत वर्ष शतम सांग्रम
मृत्युर्विवर्जिता नश्यन्ति व्याधय सर्वे लूता विस्फोटकादयाः स्थावरं जंगम चैव पुत्रिं चापि यद्विषम अभिचाराणि सर्वाणि मंत्रयंत्राणि भूतले भूजराकेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः सहजा कुलजामाला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्षचरा घोरा डाकिनश्च महाबला ग्रहभूत पिशाचाश्च यक्षगंधर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षस वैताला कुसुमांडा भैरवादयाः नश्यन्ति दर्शनास्तस्य कवचे हृदि संस्थिति मनोनतिर्भवैराग्यस्ततेजो वृद्धिकरं परं यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डित भूतले जपेत सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद् भूमंडलं दत्ते सशैलवनकाननं तावतिष्ठति वेदिन्यां संतति पुत्र पौत्रकी देहांते परमं स्थानं यत् सूर्यरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादता प्रसादताः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते ओम श्री जगदंबार्पणमस्तु इति दिव्या कवचं संपूर्णम्। तो दोस्तों इस प्रकार से दिव्य कवच था, थोड़ी इसमें अशुद्धि हो सकती है, आप भी सुधार लेंगे। जय माँ भवानी, जय माँ करणी। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ दिव्यः कवचम्। हस्ते जलमादाय, हाथ में पानी लेकर विनियोग करें।